हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीजेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं जो है प्रैक्टिस सेट 6 नंबर का होगा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको क्या कह रहा है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, देखिए करंट का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है। चलिए भाई देखें, यानी कि प्रोफेसर थल पीपल प्रदीप हैं, या डॉक्टर पैगी मोहन हैं, या प्रभु चंद्र मिश्रा हैं, या पेथरी केम से संगतम है। तो बताइए भाई कौन है इसमें वो जाएगा। तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 के विजेता कौन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर चला जाएगा, डॉक्टर पैगी मोहन। देखिए लेखिका डॉक्टर पैगी मोहन ने मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स MBFIL 2023 के चौथे संस्करण, ये कैसा भाई संस्करण था, चौथे संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। ठीक, देखिए इन्होंने प्रवासन के परिणाम के रूप में भाषा के विकास में चित्रित करने वाली उनकी जो एक पुस्तक थी, इस पुस्तक के लिए वो वाडरर्स किंग एंड मार्चेंट्स के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया था। इनकी बुक का नाम याद रखिएगा, वाडरर्स किंग्स एंड द मार्चेंट्स। ठीक, तो ये इनके इस बुक के लिए जो है 2023 का मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए बायो से संबंधित है, कहने की थैलेसेमिया एक अनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है। देखिए भाई थैलेसेमिया किस अंग को प्रभावित करता है, कहने की रक्त को, फेफड़े को, हृदय को, या ब्रिक को। कौन सा हो जाएगा सही ऑप्शन भाई, इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा, रक्त को प्रभावित करता है। देखिए जो थैलेसेमिया अनुवांशिक रोग है या जो है बच्चों में माता पिता से अनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। कौन सा भाई, रक्त रोग है। इस रोग के होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ए नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए ये कुछ आपका कथन है और कारक दिए गए हैं, इस प्रकार के प्रश्न एक दो आ जाते हैं, तो आइए देखते हैं। कथन ये कह रहा है कि हिमालय के उत्तरी ढालों पर हिम नदियों का जमाव अधिक है, तो ये आपका सही है भाई। फिर कह रहे कि कारण कह रहे कि हिमालय के उत्तरी ढाल अपेक्षाकृत मंद हैं, ये भी आपका सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, कह रहे कि निम्नलिखित कूट सही उत्तर आपको चुनना है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। ए और दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है। बताइए भी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, कह रहे कि आप ये जो है कि लोकसभा को, राज्यसभा को, विधानसभा को, या विधान परिषद को, कह रहे हैं कि आप इनको क्या कर सकते हैं, भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है, तो किसको भी, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा, विधान परिषद को। तो विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रेजेंट समय में आपके यहाँ विधानसभा मतलब द्विसदनी सभा किन किन राज्यों में है, तो आपके यहाँ 6 राज्यों में है, कितने भी, सिर्फ 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। तो आप इनके नाम भी याद रखना है किस राज्य में है, तो देखिए आंध्र प्रदेश पहला हो गया, सेकंड नंबर पे आप याद रखिए बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र, तेलंगाना। देखिए तेलंगाना का अभी लेटेस्ट आपका राज्य है जो 2 जून 1914 में बना था। ठीक है, और आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। तो आपके यहाँ कितने, 6 राज्यों में विधान परिषद है, कहाँ कहाँ भाई, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए आइए आपको बताते हैं, देखिए लोकसभा के बारे में पिछले वीडियो में बताया, तो आज हम राज्यसभा के बारे में आपको बता देते हैं, एक वीडियो में सब धीरे धीरे आपको हम बता देंगे। देखिए राज्यसभा जो है द्वितीय या उच्च सदन कहते हैं, इसे हम द्वितीय या उच्च सदन कहते हैं। देखिए लोकसभा को आपने वहाँ पढ़ा था निम्न सदन कहते हैं, तो उसे उच्च सदन बोलते हैं। ठीक है, या एक कैसी होती है, ये अस्थायी सदन है, अस्थायी
सदन भी इसको कहते हैं। और इसके कार्यकालीन मेंबर के कितने होते हैं? 6 वर्ष से होता है। और अधिकतम आयु जो है इसके बनने के लिए कितने वर्ष चाहिए? 23 साल होती है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। और आर्टिकल कितने में है भाई? 80 में है, आर्टिकल 80 में है। और लोकसभा कितने में था? 81 में बताए थे, ठीक है, तो आर्टिकल 80 में है। देखिए जो राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी हो, सदस्य हो सकती है? 250। वहाँ कितनी? 552 बताए थे ना लोकसभा के, तो यहाँ 250 याद रखिएगा। और देखिए यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है कितने लोगों को मनोनीत करता है? तो भाई याद रखिएगा 12 लोगों। कई बार प्रश्न आया है, आप परीक्षाएं देते होंगे तो आपको ये 100% पता होगा, ठीक है। तो आप इसमें आप 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है। ये क्यों, कैसे वर्ग होते हैं? जैसे कला वर्ग होते हैं, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से लोग जो होते हैं, इनके वे 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है, ठीक है। प्रेजेंट में कितनी? 245 सीटें क्या भाई? शायद इतनी है, मुझे कन्फर्म आप कर लीजिएगा। तो इतना ही आपकी, और अधिकतम कितनी हो सकती है? 250, ठीक है। तो इतना आप इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कह रहे कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? कब प्रारंभ हुआ था? कह रहे कि 1985 में, 1990 में, 1997 में या 1995 में? बताइए इसमें आप, मिड डे मील हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। तो मिड डे मील जो है कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1995 15 अगस्त 1995 को या जो है शुरू हुआ था। देखिए इसका नया नाम क्या हो गया है? पीएम पोषण योजना हो गया ना, नया नाम, योजना नया नाम इसका मिड डे मील का। देखिए मिड डे मील शुरू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो ये तमिलनाडु था, ठीक है। देखिए इसका मेन मकसद है कि जैसे गरीब बच्चे के घर के जो है सही से भोजन ना मिल पाने के कारण क्या हो जाता है? कुपोषण से शिकार हो जाते हैं। तो ये इसे दूर करने के लिए जो है राज्य सरकार यह एक योजना लाई जिससे इन कुपोषण से बच्चों को बचाया जा सके, इसका जो है यही उद्देश्य है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला है कहने कि भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक, देखिए पहली है, आयोजन किस देश में किया गया था? तो भाई ये किस देश में किया गया था? कहने कि भारत में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में या ब्रिटेन में? तो ये कहाँ की गई थी भाई? तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ब्रिटेन में। कहाँ पर? ब्रिटेन में। देखिए ब्रिटेन में पहली बार जो है भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई थी। देखिए भारत के जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसमें भाग लिए थे, डॉक्टर एस जयशंकर, ठीक है, शंकर। और देखो यूरोप और विदेश मामलों के लिए फ्रांस के जो मंत्री थे श्री जीन पवेस ले ड्रियान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सीनेटर से मारिस पाइने ने भाग लिया था, ठीक। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, कहने कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? देखिए 1826 ईस्वी में जो एक जूरी अधिनियम आया था जिसमें इस विधेयक में के अनुसार इसमें प्रत्येक हिंदू या मुस्लिम, ईसाई या न्यायविदों द्वारा परीक्षण के अधीन था, ये या तो यूरोपीय या भारतीय हो सकते हैं, ऐसा ही इसका ये जो बिल था, अधिनियम था। तो इसका जो है विरोध किस महान पुरुष ने किया था? तो इसमें आपसे पूछा है, कहे ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रनांडे या राजनारायण बसु थे? बताइए इसमें कौन थे वो पर्सन? तो ये आपका कौन थे? ऑप्शन नंबर इसका बी चला जाएगा, राजा राम मोहन राय जो थे 1826 के जूरी अधिनियम के घोर विरोध किया था, ठीक है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, कहने कि सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या था? भाई कहने कि क्रिस्कोग्राफ, कार्डियोग्राफ, पॉलीग्राफ या टेलीग्राफ? तो कौन सा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, क्रिस्कोग्राफ। देखिए ये जो इन्होंने इनके द्वारा निर्मित उपकरण था जो पौधे की वृद्धि की माप करता था, ठीक है, तो ये भारतीय वैज्ञानिक थे, ठीक है, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे हैं कि MS Excel में फार्मूला एक प्रतीक से शुरू होता है, प्लस से, इक्वल से, हैच या एट द रेट, ठीक, तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? तो किससे? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, इक्वल से। तो MS Excel में फार्मूला एक प्रतीक से शुरू होता है, इक्वल से, ठीक, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 10 नंबर कह रहे हैं कि करें एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह जो है कार्य करे जो उसे प्रदत्त या शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट याचिका को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भाई, करें कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या अधिकार परीक्षा। तो कौन सा हो जाएगा सही ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, परमादेश। क्या भाई? परमादेश। ठीक है, देखिए और देखिए ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण या एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र या रिट होता है जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्तियों को रिहाई मिल जाती है। जैसे ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, देखिए आपके कितनी प्रकार की रिट है, भारत में 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण पहले नहीं था, तो कोई भी पुलिसकर्मी क्या होता था, निर्दोष व्यक्ति को लाके बंद कर देता था, तो फिर उसी पुलिस वाले को ही सुनी जाती थी। तो ऐसा जब बंदी प्रत्यक्षीकरण आया तो इससे क्या हो गया, पीड़ित व्यक्ति जो है रिट दायर कर सकता है, उससे इसके मामले में काफ़ी राहत होगी। इसमें आपको इनके सामने पेश होना पड़ेगा, पुलिस वाले को भी और साधारण आदमी को जिसको गैर बेमतलब का उसने अरेस्ट किया है। ठीक, तो ये आपका वहाँ पर न्याय मिलेगा, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण इसे कहते हैं। ठीक है, और देखिए देखिए अगला है परमादेश, तो आपको बता दें आगे है प्रतिषेध क्या होता है। देखिए प्रतिषेध, देखिए प्रतिषेध कब होता है, जब कोई निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करे तो इस स्थिति में उस उच्चतर न्यायालय इसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध लेख जारी करता है। कहने का मतलब है जो निचला न्यायालय, अब मान लीजिए आपका उच्च न्यायालय है, निचला हुआ ना सर्वोच्च न्यायालय आपका ऊपर का हुआ, तो ये जो है मनमानी करने लगे, मतलब कि बेमतलब अधिकार किसी को छीने, उसको सही न्याय न दे। ठीक, तो ये आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर प्रतिषेध जो उच्चतम न्यायालय है इसके खिलाफ जो है उच्चतम न्यायालय उसे क्या देगा, ऐसे करने से रोकने के लिए प्रतिषेध लेख जारी कर सकता है। ठीक, तो ये हो गया। आगे देखिए भाई, देखिए अधिकार परीक्षा क्या है, अधिकार परीक्षा देखिए है तो बहुत थोड़ा थोड़ा इसमें भाई बता दे रहे हैं, तो आप 5 प्रकार की रिट है तो आप इससे बुक से अच्छे से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए अधिकार परीक्षा क्या होता है, ये ऐसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। ठीक, और देखिए एक और यहाँ पे नहीं है जो 5 प्रकार के हैं, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेषण है, उत्प्रेषण है, क्या भी उत्प्रेषण है। देखिए या रिट जो है किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय से जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के लिए उद्देश्य से जारी की जाती है। लेकिन देखिए प्रतिषेधन और उत्प्रेषण में क्या एक ही अंतर है, देखिए ये तब उत्प्रेषण जारी किया जाता है जब जो है उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्यवाही चल रही होती है। ठीक है, जब कोई कार्यवाही चल रही होती है तो उस समय उत्प्रेषण जारी किया जाता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय द्वारा। देखिए तो आपके ये 5 प्रकार की रिट हुई। ठीक है, देखिए इन रिट को आप किसके माध्यम से आर्टिकल से जोड़ेंगे, अगर आप सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं, क्या भाई सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं तो अनुच्छेद कौन सा यूज करेंगे, 32 का यूज करेंगे। ठीक है, इसके तहत आप कहाँ जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय। अगर आप रिट कहाँ डाल रहे हैं, उच्च न्यायालय में, तो आर्टिकल 226 का प्रयोग करेंगे, ये आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये याद इतना रखिएगा। देखिए थोड़ा सा बता दिए शॉर्टकट में, आप जान लीजिए। तो ये सब है क्या है, 5 प्रकार की रिट जो है ये जारी कर सकता है। ठीक, आगे देखते हैं, कहने की अर्ध नारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं, तो बताइए भाई ये आपका कौन सा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। कहने की पुरुष और नारी शक्ति का योग, देवता और देवी का योग, देव और उसकी शक्ति का योग, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, देव और उसकी शक्ति का योग। तो अर्ध नारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं, देव और उसकी शक्ति का योग। आगे देखते हैं अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, कह रहे हैं कि शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो शीतला जल विद्युत परियोजना कह रहे हैं कि झांसी में है, ओबरा में, पीलीभीत में आया, ललितपुर में है, तो 12 नंबर का क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा भाई, ये कहाँ है, झांसी में, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, शीतला जल विद्युत परियोजना यूपी के झांसी में स्थित है। या किस नदी पर बनाया गया है, तो ये बेतवा नदी पर बनाया गया है, बेतवा नदी पर बनाया गया, तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, कहने कि हाल ही में जारी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत जो है कौन से स्थान पर है, तो कौन से स्थान पर इसमें भारत की पोजीशन है, कहने कि 201वें, 101 या 102 या 121,
तो भाई कौन स्थान पायदान पर है ये, भारत जो है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा, या जो है भारत जो है 121वें स्थान पर है। ठीक, तो इसमें कितने लक्ष्य रखे गए हैं, ये 17 लक्ष्य रखे गए हैं। देखिए 2031 में जो भारत की स्थिति कितनी थी भाई, 120वें स्थान पर भारत था। ठीक, और इसमें अगर आप पूछे कि सतत वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन बना है, तो भी फिनलैंड है, फिनलैंड है। ठीक है, तो इतना आप इसमें याद करिए। तो कुल कितने देश ने पार्टिसिपेट किया था, 163। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है। कहें कि संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है। ए नंबर के लिए निजी व सार्वजनिक क्षेत्र, राज्य व केंद्र सरकार, घरेलू व विदेशी संगठन, या उपयुक्त सभी। कह रहे कि संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे कि बुंदेलखंड के पर्यावरण प्रेमियों ने किस जंगल को बचाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया था। कह रहे कि सुंदरवन, बक्सावा, या सोनभद्र, या बहराइच, तो कौन सा हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर इसका, देखिए बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, बक्सावा। तो ये जो है इस जंगल को बचाने के लिए बुंदेलखंड के जो पर्यावरण प्रेमियों थे, ये इन्होंने एक अभियान शुरू किया था। ठीक है, तो ये बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए इसका यहाँ क्या कारण था कि इसको यहाँ पर इसका अभियान शुरू करना पड़ा। देखिए 2005 में देखिए ऑस्ट्रेलियन कंपनी जो ने रियो टिंटो ने यहाँ पर एक सर्वेक्षण किया था। उन्होंने खनन के लिए सर्वेक्षण किए थे किम्बर, जो इन्होंने बताया था कि यहाँ पर जो है हीरा है कितना भाई, 3.42 करोड़ कैरेट। तो 3.42 करोड़ कैरेट का कहाँ यहाँ पर हीरा छिपा हुआ है, कहाँ भी हीरा छिपा हुआ है, किम्बर लाइन चट्टान में, कहाँ किम्बर लाइन चट्टान में। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन कंपनी जो है रियो टिंटो ने यह जो है भविष्यवाणी कर दी थी, मतलब इन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या छिपा हुआ है, सोना छिपा है 3.4 करोड़ कैरेट। तो ये क्या हुआ कि अब इसको सरकार क्या चाहिए कि इसको क्या करें, इसको भाई इसको खोद, अब इसको ढूंढने के लिए जो आदित्य बिड़ला कंपनी थी, ये जो है 900 एकड़ में फैला हुआ है, 900 एकड़ में, थोड़ा सा समझिएगा, 900 एकड़ में फैला हुआ था। तो ये जो आदित्य बिड़ला कंपनी जो है खोदने के लिए टेंडर लेती है, तो ये जो है ये लगभग 153 एकड़ में ऐसा बताया कि 153 एकड़ में खुदाई होगी तभी ये क्या मिलेगा, ये हीरा मिलेगा। ठीक, इन्होंने ऐसा भविष्यवाणी की थी। तो उन्होंने कहा कि भैया हम क्या करेंगे, 437 एकड़ की खुदाई करेंगे और इसके जो शेष बचेगा वहाँ मलबा डालेंगे। कहने का मतलब है कि ये जंगल ही पूरा नष्ट हो जाएगा। तो इसके विरोध में जो यहाँ के लोग थे पर्यावरण प्रेमी ने इनके क्या किया भाई, एक अभियान चलाया। तो यही यहाँ का पूरा मकसद है। और देखिए कहा कि इतना सारा, और इसमें जानते हो कितना, लगभग 2.5 लाख पेड़ हैं इसमें, और जो है जिसमें 40,000 तो सागवन के पौधे हैं, 40,000 तो यहाँ पे सागवन के पौधे हैं। तो इतनी ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर्यावरण भी बहुत ख़राब हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, ऐसे ही दिक्कत हो रही। तो इसको बचाने के लिए बुंदेलखंड के पर्यावरण प्रेमियों ने इस पर क्या भाई, एक अभियान चलाया था। यही यहाँ का ये थोड़ा सा चर्चा में था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, यानी कि DRDO की स्थापना कब हुई थी। तो बताइए भाई ये DRDO की स्थापना कब हुई थी। कह रहे कि 15 अगस्त 1969 में, 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 1958 में, या 23 जून 1994। तो ये आसान क्वेश्चन है, कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है 1 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, जो इसका मोटो है बलस्य मूलम से विज्ञानम। तो बलस्य मूलम विज्ञानम इसका मोटो है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं, कहने कि किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड होता है। कहने कि सदैव सीधा, सदैव उल्टा, सीधा और उल्टा दोनों, पहले सीधा फिर उल्टा। बताइए भाई सदैव कैसा, किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड आपसे पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, सदैव सीधा होता है। तो आपका 17 का ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक, एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि 10% का ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था। तो किसने दिया था भाई, लिंडमान ने जो है ऊर्जा का 10% नियम दिया था। इन्होंने बताया था कि खाद्य श्रृंखला में एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए भी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? कह रहे हैं कि 24 जनवरी को, 12 अगस्त को, 11 नवंबर को, 14 सितंबर को। बताइए भी कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 18 का, तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और 14 सितंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो बौद्ध धर्म के समर्थक या अनुयायी धारण करने वाले इसमें कौन से शासक थे? कह रहे हैं चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार या दशरथ। तो बताइए भी बौद्ध धर्म के धारण करने वाले कौन थे? देखिए अशोक थे और दशरथ थे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। दो और चार जो है कौन हो जाएंगे? और देखिए चंद्रगुप्त क्या थे? ये जैन धर्म के धारण करने वाले कौन थे? जैन धर्म के। और बिंदुसार पहले देखिए, बिंदुसार जो पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन रानी चेलना के उपदेश से इन्होंने फिर से क्या कर लिया? जैन धर्म धारण कर लिया बिंदुसार ने। तो इस प्रकार आपका यहाँ डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कंप्यूटर में वर्क बुक आमतौर पर किससे संबंधित है? एमएस एक्सेल से, एडोब रीडर से, एमएस पावर पॉइंट से या एमएस वर्ड से? कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, एमएस एक्सेल से। तो कंप्यूटर में जो है वर्क बुक आमतौर पर किससे संबंधित है? एमएस एक्सेल से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहें कि माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप या किस देश में स्थित है? बताइए, कहें कि पाकिस्तान में, नेपाल में, भारत में या बांग्लादेश? तो ये कहाँ है भी? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, भारत में। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है? तो ये भारत में है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। देखिए माजुली द्वीप भारत के असम राज्य में, कहाँ? असम राज्य में स्थित और ब्रह्मपुत्र नदी के पास है। तो इस प्रकार आपका सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे कि सकल से पर्यावरण से उत्पाद GEP राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को मापता है। GEP को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले वार्षिक उद्यतन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है भी? देखिए आपका पर्यावरण संबंधित है तो ये वन आएगा आपका, देखिए नदियाँ भी आएगी, मिट्टी भी आएगी, ये उद्योग नहीं। तो ऑप्शन नंबर नहीं वाला पूछा है, नहीं वाला, तो डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला है, कह रहे हैं कि BCCI की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन हैं? कह रहे हैं कि जफर महमूद हैं, शब्बीर खंडवाला हैं, या दीपक स्वामी है, या आकाश महेश्वरी है? कौन सी हो जाएगी 23 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, शब्बीर से खंडवाला को जो है BCCI के भ्रष्टाचार निरोधक प्रमुख बनाया गया है। ठीक, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। देखिए BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स फॉर द क्रिकेट इन इंडिया जो इसकी स्थापना हुई दिसंबर 1928 में। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय जो है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में है। और देखिए इसके अध्यक्ष इस वर्तमान में कौन है? रोजर बिन्नी है। कौन से? रोजर बिन्नी जो हैं इसके क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं वर्तमान में। अध्यक्ष इसके कौन से BCCI के? रोजर बिन्नी। ठीक, तो इस प्रकार आपको यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ए नंबर कहने की इंडो प्लाज्मिक से रेटिकुलम को, या माइटोकांडिया को, या न्यूक्लियोलस को, या नाभिक को? तो किसको कहा जाता है अभी कोशिका का मास्टर? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर चला जाएगा, नाभिक को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाभिक को। देखिए माइटोकांडिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। क्या है? पावर हाउस, ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकांडिया का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, देखिए शाकंभरी देवी मेले का
आयोजन कहाँ किया जाता है? कहने की वाराणसी में, विंध्याचल में, मेरठ में या सहारनपुर में? कौन सा जाएगा ऑप्शन नंबर इसका? डी नंबर चला जाएगा, सहारनपुर में। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? सहारनपुर में। ठीक, तो डी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। करीब भारत के किस आधुनिक राज्य में कामाख्या मंदिर है? देखिए ए नंबर करें असम में, मणिपुर में, तेलंगाना में या उत्तराखंड में? कहाँ हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, असम में। जो कामाख्या मंदिर है असम की राजधानी दिसपुर के पास जो है गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर जो है कामाख्या में स्थित है। तो ए नंबर इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहें कि खुदा बख्श ओरिएंटल्स पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है कहीं चेन्नई में, प्रयागराज में, पटना में या गांधी नगर में? तो कहाँ से हो जाएगा अभी? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर चला जाएगा, पटना में। खुदा बख्श जो है ओरिएंटल्स पब्लिक लाइब्रेरी जो है पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? करें कि हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से, देखिए ये संबंधित है, पंडित रविशंकर सितार से, ये भी सही है। करें कि पाला दर्श रघु ये मृदंगम से, सही है। देखिए बिस्मिल्ला खान जो है तबला से, ये नहीं संबंधित है। ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर ही हो जाएगा। देखिए बिस्मिल्ला खान किससे संबंधित है? शहनाई से, शहनाई वादक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? कहने उनका प्रबोधंस और तर्क, उनका महापरिनिर्वाण या उनका जन्म या उनका गृह त्याग? तो कौन सा इसमें आ जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, सी नंबर केवल चार। जो उनका जो गृह त्याग थे तो उसको जो है बौद्ध धर्म में उसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 563 ईसा पूर्व में लुम्बनी में हुआ था, लुम्बनी में हुआ था। देखिए 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जब गृह त्याग किया था तभी हम बौद्ध धर्म में उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो ये निरंजना नदी आप याद रखिएगा। ठीक, और कहाँ है? बोध गया में। सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रथम उपदेश जो कहाँ दिए थे, तो ये भी आपसे पूछा गया प्रश्न इनके साथ, तो सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिए थे। और इसको जब इसे किस नाम से जाना गया बौद्ध धर्म में? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इसे जाना गया। इन जो उपदेश ही देते थे किस भाषा में? पाली भाषा में। ठीक, ये आपसे क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंस है। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? सरस्वती में। और इनकी जो मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। ठीक, जिसे बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। कहाँ भी महा, इसे भी ये भी आपसे पूछा गया है, इनके जो मृत्यु को क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में? महापरिनिर्वाण। ठीक, तो इस ये भी याद रखिएगा। इनके बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे जैसे बुद्ध, धम्म और संघ। देखिए इनके समय में चार बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ हुई थी? राजगृह में। और इसके समय के जो शासक थे अजात शत्रु थे। ठीक है, कहाँ हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति? राजगृह में शासक उस समय थे अजात शत्रु में। द्वितीय कहाँ हुई थी? द्वितीय 383 ईस्वी में वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई? वैशाली में हुई थी। ठीक, और दूसरी 225 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और चौथी जो है कहाँ हुई थी? ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडल वन में। ठीक है, और उस समय जो है शासक कौन थे? चौथी बौद्ध कनिष्क थे। और तीसरी के समय अशोक थे। तो इस प्रकार इसको ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन इसमें हमने बता दिया, इससे बाहर आपके नहीं पूछे जाते हैं। देखिए इन बौद्ध संगीतियों को कैसे याद रखना है। देखिए जैसे याद रखना है कि राजगृह में वैशाली नाम की क्या हुई? पुत्र हुआ और उसका कुंडन मुंडन कराया गया। तो ऐसे आप याद रखेंगे राजगृह में वैशाली मतलब वैशाली में दूसरी हुई राजगृह, मतलब प्रथम बौद्ध संगीति, और दूसरी वैशाली, और तीसरी पाटलिपुत्र। वैशाली से क्या हुआ? एक बच्चा हुआ जो
पाटलिपुत्र में और उसका जो है उसका कुंडन मुंडन कराया गया, तो चौथा आप कुंडन मुंडन याद रखिएगा, ठीक है। तो इनके शासक भी और कहाँ हुई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आपका सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है, यानी कि यश भारती सम्मान, काशीराम कला सम्मान, संत रविदास कला सम्मान या उपयुक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग द्वारा यह सम्मान जो है उपयुक्त सभी के लिए दिया जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो व्हाट इज कॉन्शियसनेस पुस्तक के लेखक कौन है, कहते कि विपिन गुप्ता, नासिरा शर्मा, जतिन परांजपे या बराक ओबामा। तो कौन सा हो जाएगा इसमें 31 नंबर का, ऑप्शन नंबर इसमें ए नंबर सही हो जाएगा, विपिन गुप्ता। जो व्हाट इज कॉन्शियसनेस पुस्तक के लेखक हैं विपिन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। कहने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को सही है, देखिए कारगिल विजय दिवस ये गलत है, ये 26 जुलाई को है। कितने पे, 26 जुलाई को जो है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है हर साल, तो ये आपका गलत हो गया। देखिए 1999 में पाकिस्तान पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में या जो हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है, तो गलत है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 30 जून सही है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, तो आपका कौन सा ऑप्शन बी नंबर यहां सही हो जाएगा, ठीक। तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, 25 को नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने अंक टार्ड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश वर्ष 2021 में FDI का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना रहा, ठीक। कहेंगे जापान, चीन, अमेरिका, भारत, कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर चला जाएगा, अमेरिका जो है या जो है विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में जो है या जो है NDI का शीर्षक प्राप्तकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने कि अक्टूबर 2022 में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी किया गया रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है भाई। कहने कि 102, 107, 101 या 111107, कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही चला जाएगा, 107वां स्थान या जो है वह। तो कितने लोग देश शामिल हुए थे, 121 में स्थान, भारत का पोजीशन बहुत भाई नीचे है, 107वां स्थान है, ठीक। तो ये समस्या है भारत के लिए, ठीक। तो बी नंबर इसका आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कहने कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, बताइए। करें उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या गुजरात। चलिए देखिए कौन सा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर चला जाएगा, उत्तर प्रदेश में। देखिए फरवरी 2020 में यूपी के जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था, या जो है लगभग इसकी 296 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके निर्माण से अब जो है दिल्ली से चित्रकूट की दूरी लगभग कितनी हो चुकी है, आधी हो गई है, ठीक। तो इस प्रकार आपका यूपी का है, तो ये आपका इंपॉर्टेंस हो जाता है, तो यूपी का एग्जाम है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए आप याद रखिए, ठीक है। या जो है 7 जिला से होकर जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा, कितने जिला से, 7 जिला से। चलिए आगे चलते हैं, कहें कि बोत्सवाना देश की श्रीमती जमाल अहमद प्रवासी भारतीय सम्मान 2021 पाने वाली किस क्षेत्र से संबंधित है। तो कहने कि बोत्सवाना देश की श्रीमती जमाल अहमद प्रवासी भारतीय सम्मान 2021 पाने वाली किस क्षेत्र से संबंधित है, व्यापार से है, सामुदायिक सेवा से है, मेडिसिन से है या शिक्षा से है। तो कौन सा हो जाएगा 36 नंबर का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर चले जाएगा, ये किससे संबंधित है, व्यापार से। आइए आगे चलते हैं, 37 नंबर प्रश्न देखिए, नहीं ज्यादा, चलिए आगे देखते हैं। हवाई अड्डा, देखिए हवाई अड्डा बताना है और स्थल का नाम बताना है, यानी कि नागरिक हवाई अड्डा कहाँ है, कानपुर में है, तो ये आपका सही है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है, लखनऊ, अमौसी, बिल्कुल सही है। BR अंबेडकर हवाई अड्डा, देखिए ये प्रयागराज में नहीं है, गलत हो गया। और सरसावा हवाई अड्डा ये कहाँ है भाई, तो ये सहारनपुर में, तो ये आपका भी ये भी सही है। तो यहाँ BR अंबेडकर वाला ही ऑप्शन नहीं मैच हो जाएगा, ये आपका ही नहीं हो जाएगा, ये कहाँ है, ये
आपका नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर में है, नागपुर। तो बी आर अम्बेडकर हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नागपुर में है। और ये कहाँ नागपुर है? ये महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक। एक याद रखिएगा, जेवर, जेवर हवाई अड्डा जो है यूपी में नया बना है, इम्पोर्टेंस है जेवर हवाई अड्डा। जेवर हवाई अड्डा जो है आपका कहाँ है? अभी लेटेस्ट है बना, इसका निर्माण हुआ है, तो ये गौतम बुद्ध नगर में है। कहाँ भी? गौतम, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा जेवर के बारे में, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका सी नंबर नहीं मिला है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तित्व में सब में से किसका जन्म अम्बाला में हुआ था? किसका जो है अम्बाला में जन्म हुआ था? कह रहे कि पुरुषोत्तम दास टंडन का, सुचेता कृपलानी का, डॉक्टर संपूर्णानंद का, या अजी जन बेगम का? तो बताइए यहाँ कौन सा सही हो जाएगा। देखिए कौन सा हो जाएगा, तो अम्बाला कहाँ है भी? हरियाणा में, ठीक है। तो ये बी नंबर सही हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। देखिए भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी ये रही हैं, प्रथम प्रथम मुख्यमंत्री जो यूपी का बनी थी। कब बनी थी भी? 2 अक्टूबर 1963 में, 1963 में जो है ये भारत की जो है प्रथम और यूपी की जो है मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुई थी, ठीक। और हरियाणा में इनका अम्बाला शहर में इनका जन्म हुआ था, ठीक। और इनका जन्म जो है 25 जून 1908 में अम्बाला में हुआ था, ठीक। तो इस प्रकार आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल इनमें से कौन सा पर्यटन सर्किट शक्तिपीठ सर्किट में आता है? करें कि विंध्यावासिनी देवी, विंध्याचल, आलोपी देवी प्रयागराज, पाटेश्वरी देवी देवी पाटन, या उपयुक्त सभी? कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो ये जो है पर्यटन सर्किट से शक्तिपीठ सर्किट में आता है, तो ये आपका डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि जुलाई 2022 में कौन सा देश यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश बन गया है? 20वां देश बन गया है, डेनमार्क, क्रोएशिया, बुल्गारिया, या भारत? कौन सा है भी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा, क्रोएशिया। क्रोएशिया जो है अब 20वां देश बन गया है यूरो को अपनाने वाला, ठीक। तो क्रोएशिया, क्रोएशिया की राजधानी क्या है? जगरेब। क्या भी? जगरेब जो है इसकी राजधानी है। देखिए इसकी पहले जो क्या थी मुद्रा? कूना, ठीक। आधिकारिक जो इसकी मुद्रा थी क्या? कूना। तो इन्होंने अब क्या ग्रहण कर लिया है? यूरो, ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर मुख्य सचिव का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो भाई मुख्य सचिव का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ है? तो 41 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर इसके सी नंबर चला जाएगा, धर्मशाला में। देखिए हिमाचल प्रदेश के, ये कहां है हिमाचल प्रदेश में? तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता की है। इसमें नई शिक्षा नीति, इसका जो उद्देश्य था नई शिक्षा नीति लागू करने, शासन व्यवस्था और फसल विधिकरण और कृषि में आत्मनिर्भरता पर चर्चा की है, ठीक। तो यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जो है हुई थी। लेकिन प्रथम राष्ट्रीय है तो थोड़ा से प्रथम वाला इंपॉर्टेंस हो जाता है, ध्यान दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि भारतीय नियोजन का निर्माता किसे माना जाता है? भारतीय नियोजन का निर्माता किसे माना जाता है? कह रहे कि पीसी मालनोविस को, जॉन्स मथाई को, के एन राज को, या इनमें से कोई नहीं? कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर चला जाएगा, पीसी मालनोविस को जो है भारतीय नियोजन का निर्माता माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन है, करें कि 58 साल के इतिहास में पहली बार किसे वाल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया है? तो 58 साल के बाद भाई बताइए, करें एलिस क्लार्क को, सूजन अर्नोल्ड को, स्मृति ईरानी को, राहुल को? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, सूजन से अर्नोल्ड को जो है, या जो है 58 साल के इतिहास में पहली बार जो है वाल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा, पोचमपल्ली तेलंगाना को, जो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जो है पोचमपल्ली को, गाँव को जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव का खिताब दिया गया है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, कहें किस देश के सुलावेसी द्वीप पर दुनिया का सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज की गई है, या लगभग 45,500 वर्ष पुराना है? इंडोनेशिया है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, या न्यूजीलैंड? कहाँ है भी? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, इंडोनेशिया। कहाँ है? इंडोनेशिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्वाड का सदस्य देश है, तो
क्वाड में कितने सदस्य देश हैं भाई? चार सदस्य देश हैं। तो कहाँ हैं? भारत है, अमेरिका है, जापान है। देखिए उपयुक्त इसमें कौन सा हो जाएगा? सभी हो जाएगा, और एक ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये भी है, ठीक। तो इसमें चार सदस्य देश हैं। चलिए आगे चलते हैं। करेंगे खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा कहाँ खादी कारीगर सम्मेलन का आयोजन किया गया? करेंगे अयोध्या में, मेरठ में, वाराणसी में या लखनऊ में? कहाँ किया गया भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, वाराणसी में। तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी कारीगर सम्मेलन जो है वाराणसी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करके भारतीय सेना के किस मेजर ने विश्व की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, इसे क्या नाम दिया गया है? बताइए, करें शक्ति, साहस, होशियार, तोरण, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा, शक्ति जो है नाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें मुक्त व्यापार समझौता लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? देखिए पहला आया है तो इंपॉर्टेंस है, सिंगापुर है, मलेशिया है, वियतनाम है या भूटान है, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर चला जाएगा, सिंगापुर जो है मुक्त व्यापार समझौता लागू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें AFC एशियन फुटबॉल कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या कंबोडिया, कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सऊदी अरब करेगा, सऊदी अरब करेगा। देखिए AFC क्या है? एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, ठीक। तो यह इसकी जो स्थापना हुई थी 7 मई 1954 में इसकी जो है स्थापना हुई थी, ठीक। तो इस प्रकार आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यह बड़ा वीडियो बन गया है क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा फैक्ट बताना पड़ा था, ठीक। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।